भोपाल के इकबाल मैदान पर आज सीएए और एनआरसी के विरोध में एक इतिहास रचा गया है। हिंदू महिलाओं ने उपवास रखा और मुस्लिम महिलाओं ने रोजा रखा और शाम को एक साथ रोजा और उपवास तोड़कर एक एकता का संदेश दिया है और सीएए एनआरसी के खिलाफ जब तक ये रद्द नहीं होता एकजुट रहने की एक मिसाल पेश की है। हम बात कर रहे हैं यहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाज अजहर है। क्या आज क्या रोजा रख? आज हम सब भाई बहनों ने यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब लोगों ने यहाँ मिलकर रोजा रखा था, क्योंकि जब हम लोग ऊपर वाले से कुछ मांगते हैं ना हाथ उठाकर तो ऊपर वाला हमको जरूर देता है। और ये हमारी एकता है ना, एकता का सबूत है कि हम जो लोगों ने मिलकर रोजा रखा है हम लोग को कोई अलग नहीं कर सकता। हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी ही बनकर रहेंगे और एकता से रहेंगे। जो हमारे वोट से आज शासन कर रही है और हमारी नागरिकता पे प्रश्न कर रही है, तो पहले वो अपने गद्दी छोड़े और उसके बाद फिर से नए इलेक्शन हो और फिर तय होगा कि हम कितने नागरिक हैं और वो कितने मंत्री हैं। कि जिस तरह से ये सरकार हमको तोड़ना चाहती है, इस तरह के अलग अलग तरह के कानून लाके संविधान को कमजोर करना चाहती है, हम यहाँ पे एक साथ मिलके रोजा और उपवास रख के एक साथ रहकर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने संघर्ष को मजबूत रखेंगे। ये पूरे कानून लोगों को संदेह में डालने के लिए, लोगों को डराने के लिए है और संविधान की मूल भावना का हनन करते हैं, इसलिए मैं इनके खिलाफ। हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने उपवास और रोजा रखा ताकि उनमें एक हौसला बना रहे इस संविधान विरोधी कानून के खत्म होने तक लड़ाई लड़ने का। कैमरामैन दीपक पाटीदार के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।